नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा, दो अन्य दोषियों शिल्पा और शरद को 20-20 साल की जेल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एम लोकुर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को लिखा खत, कहा सुप्रीम कोर्ट के भविष्य पर फुल बेंच करे विचार। जम्मू कश्मीर के पूर्व पीडीपी नेता गुलाम नबी पटेल की आतंकी हमले में मौत, दो सुरक्षा कर्मी घायल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के नोटिस को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कांग्रेस की गलती। गोरखपुर के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 30 बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। 6 दिनों की गिरावट के बाद पहली बार रुपए में दर्ज की गई तेजी, डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत हुआ रुपया। रेस 3 की शूटिंग के लिए कश्मीर की वादियों में पहुंचे सलमान खान, सीएम महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। गौतम गंभीर ने छोड़ी दिल्ली डेयर डेविल्स की कप्तानी, श्रेयस अय्यर होंगे नए कप्तान। 5000 mAh बैटरी और ड्यूल रियर कैमरा के साथ Asus ZenFone Max Pro M1 स्मार्टफोन लॉन्च। अमेरिकी रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट ने किया दावा, कहा भारतीय आईटी कंपनियों को H1B वीजा मंजूरियों में आई 43% की गिरावट।